एडमिनिस्ट्रेशन की जून की जिनके मातहत है वो है हमारी जूनल एजुकेशन ऑफिसर मिसेस हरमीत कौर। इनका टाइम बड़ा अवेलेबल है, इनकी आज मीटिंग भी थी लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आज यहाँ पर आने का फैसला किया। بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. ये थे इसी इदारे के एक तालिब इल्म जाहिद अहमद वानी। अब मैं दावा देना चाहूँगा इसी एक इदारे की तालिबा है शाइस्ता बानो, क्लास अलेवेंथ में पढ़ती है। एक स्पेशल चाइल्ड है, ये नाज शरीफ आपके सामने पेश करेंगे। जाहिदा बानो, نحمد ونسلي على رسول الكريم أما بعد مطلوب المقام زيد السايبان تاري أستاذ الكرام تاري بهن وربيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں آپ کے سامنے ایک نعت شریف پیش کرنا چاہتی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ میری طرف توجہ فرمائیں محبوب تو ہی معشوق ذات شاہ شوب پس کن کائنات شاہ مدینہ گئی دور ظلمات نور کوئی پر تو سب در سو تشریف गुड़ बरान अमनो अमान
जो ये CWSN का प्रोग्राम है, रेस्पेक्टेड शबीर साहब, नवीद साहब, ताहिर अहमद बेग साहब, बिलावल अहमद पीर साहब, महराजद्दीन सोफी साहब, जो हमारी यहाँ पे RP टीम है, इनके साथ ही यहाँ पर हमारे शौकत नज़ीर साहब हैं, बाकी जितने भी असातिज़ा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, वालदेन हजरात हैं यहाँ पे, अजीज़ तुलबा व तालबात, सबको मेरी तरफ से खुलूस भरा अस्सलामु अलैकुम आदाब। सबसे पहले मैं हमारी जो जोनल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी RP टीम है, इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक अदना सा उस्ताद हूँ, इसी जोन से वाबस्ता हूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा कि हमारे जो ये स्पेशल एबल्ड स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो यहाँ हमारे जोन में मुनक्किद हो रहा है, तो इस सिलसिले में मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। पेरेंट्स, मीडिया और मेरे प्यारे बच्चों आदाब, जैसे आपको सबको पता है कि टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को, कि आज का दिन हमने रखा यहाँ पे ओरिएंटेशन एक कोर्स के CWSN से रिलेटेड, कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से हमने आगे चलाना है। फिर आपको ट्रेनिंग तो आपको पता ही होगा, इसी तरह से जैसे हमारे ये CWSN से रिलेटेड जो बच्चे हैं, इनको हमने अपने दूसरे बच्चों के साथ साथ कैसे चलाना है। SSA ने थोड़ा एक स्टार्ट किया, लेकिन जो अब जो समग्रा ने उसको थोड़ा बड़ा दिया है, ब्रॉड किया है। अब हर एक स्कूल में रैंप होगा, हॉस्टल में रैंप होगा, ऑफिस में रैंप होगा, इवन जो भी नई बिल्डिंग बन रही है, ऑफिस बन रहा है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस, उसमें रैंप हो रहा है, रैंप रखा जा रहा है। इसलिए रैंप रखा जा रहा है, अगर कोई पेशेंट आ रहा है, कोई साइल आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, जो किस पर आ रहा है, व्हील चेयर पर, उसके लिए कोई भी परेशानी ना। जाने का जो था वो सफर करता था, इस वजह से शायद कई बच्चे उन हालातों में जो हमसे बेहतर थे मेंटली। मेहरा साहब एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड HOIs, माय डियर कोलीग्स, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, देयर गार्डियंस एंड पेरेंट्स, अस्सलामु अलैकुम आदाब टू ऑल ऑफ यू। जहां तक आज के इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, सारे लोगों ने, मेरे हम पेशा साथी जो यहाँ पे आए, इन्होंने अवेयरनेस दी कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजन्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं इन बच्चों के लिए जो हमारे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं। पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम आदाब। जैसे कि अभी काफ़ी मेरे से पहले भी लोग आए जिन्होंने रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम आपसे बात की, हमारे सामने बैनर लगा हुआ है, हमारा एनवायरमेंटल बिल्डिंग या एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन रिगार्डिंग CWSN, जो हमारे चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, उसी को लेके ये प्रोग्राम हो रहा है। पहले लेवल पे हमने सर्वे किया, सर्वे में आइडेंटिफिकेशन की कि कितने बच्चे हमारे जोन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो इनको जो हमारे स्कूल हैं इनमें एंटर करना और इनको एजुकेशन देनी है, क्योंकि हमारी पूरे मुल्क की बात जब करेंगे, तकरीबन 2.21% ऑफ पॉपुलेशन जो है, दे आर विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है, इन सब बच्चों को हमें इसके लिए सबसे पहले जो बात है, एज ए इंडिविजुअल, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट या एज ए रिलेटिव, सबसे पहले हमें अपना माइंड सेटअप चेंज करना है, और इनका जो भी बनाने वाला अल्लाह है। एजुकेशन ऑफिसर चंदू साहब वो मीटिंग में हैं, तो हाँ, आज हमारा जो प्रोग्राम था ये स्पेशल जो CWSN चिल्ड्रन से उनको अवेयरनेस, उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को भी, यहाँ पे जो हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में हर एक जोन पे ये प्रोग्राम हुआ, और हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम था किस तरह से हम इन पेरेंट्स को और इन टीचर्स को ये स्कूल्स में ये अवेयरनेस प्रोग्राम
दे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हम हर बच्चे को जो है जो भी CW जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रन है उनको हम किस तरह से एक ही क्लासरूम में वो बाकी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सके और हम उनको एजुकेशन दे सके। और आपके चैनल के साथ से मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे और इनको इनकी हेल्प करें, अपने टीचर्स से मिले और टीचरों को भी ये है और टीचर कर भी रहे हैं जून में कि उन्होंने पहले ये आइडेंटिफाई किए कौन से बच्चे हैं, एक सर्वे हुई और वो उनके पास गए और उनको उन्होंने अवेयरनेस किया, उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कि आप ये बच्चे जो हैं ये पढ़ सकते हैं, इनमें भी वो सहूलियत है जो बाकी बच्चों से ये इनको अल्लाह ताला ने ये अगर एक चीज़ से महरूम रखा है तो बाकी कई चीज़ें ऐसी दी हैं कि जिनमें ये अपनी तालीम को चल सके। और हमारे पास कई सारे मिसालें हैं कि जो भी फिजिकली वीक थे वो आगे जाके बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं। तो ये प्रोग्राम का यही मकसद था कि किस तरह से हम हर एक को ये अवेयरनेस करें कि ये जो है ये हमारे हिस्से हमारी सोसाइटी के, तो हमने किस तरह से इनको तालीम में आगे ले जाना है। जैसा कि आपने अभी सुना कि our zonal administration in patronage with the chief education officer we organized one day environmental building program for our children with special need. So actually hamara jo maqsad hai ki hum ek vatavaran ek environment taiyar kar paye hamare bachchon ke liye hamare khas bachchon ke liye taki jo hai hamare wo streamline mein jo hai jud paye to bilkul hamara department jo hai we are working 24/7 हम इन बच्चों की खिदमत में जो है 24 घंटे 7 दिन जो है हम जो है इसमें शामिल हैं इस मुहिम में। तो बस यही हमारी गुजारिश रहेगी हमारे इन बच्चों के जो माता पिता हैं कि इनको जो है स्ट्रीम लाइन करें, इन्हें समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ें और जो है इन्हें सेग्रीगेट ना करें और हम जो है वी आर वेलकमिंग अवर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड विद ओपन आर्म्स। थैंक यू सो मच। क्योंकि जैसा आप जानते हैं CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम चलाया गया जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया गया और फिर जोनल लेवल पे चलाया गया। आज का जो प्रोग्राम था हायर सेकेंडरी सिंदूसा में इसमें टीचर्स और पेरेंट्स और जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको हमने मदद किया था, यहाँ पे दावा दी थी। तो इसमें यह था कि पहले हम आइडेंटिफाई करें बच्चों को जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं हमारे जोन में या डिस्ट्रिक्ट में, उनको आइडेंटिफाई करें और सेकेंड फिर हम अवेयरनेस प्रोवाइड करें टीचर्स को और पेरेंट्स को इस हवाले से सोसाइटी को, और उसके बाद जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट लेवल के तो उनको अमलाने के लिए निचली सतह पे जो टीचर है उनको ट्रेनिंग्स दी जाए। टीचर्स फोरम जो कि हमारा स्लोगन है गैल इज़ आवर प्रायोरिटी, तो इस हवाले से टीचर्स फोरम डिफरेंट प्रोग्राम चला रही है। जैसा लास्ट टाइम आपने देखा होगा पुलवामा में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जहाँ पर टीचर्स ने और फोरम ने मिल के कलेक्शन की, लाखों रुपये का सामान उन्होंने लाया, बैग्स बुक्स बाकी चीज़ें जो इक्विपमेंट्स इन स्पेशली एबल्ड या ऑर्फन जो वहाँ पे बच्चे थे उनको ज़रूरत पड़ते हैं वक्त ब वक्त, तो वो चीज़ें की। और यहाँ भी हमने जून सिंदूसा की अगर हम बात करें तो कोविड में जो हमने करीबन 10,000 के करीब मास्क स्कूल में दिए, सैनिटाइजर्स दिए और फूड किट्स तकसीम किए। तो टीचर्स फोरम इस हवाले से हमेशा गवर्नमेंट का शाना बशाना रही है और इस हवाले से काम कर रही है। देखिए ये जो प्रोग्राम है असल में 1974 से शुरू किए गए हैं, इन बच्चों को लेके जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं इनको लेके शुरू किए गए, तो 1982 में फिर सोशल वेलफेयर से इसको ट्रांसफ़र करके एजुकेशन को दिया गया। और हाल ही में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इसमें लाई जैसे SSA है, सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान है या RMSA है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने बड़ी फैसिलिटीज़ इन बच्चों के लिए स्कूल के हवाले से अगर हम देखें, इनकी पढ़ाई के हवाले से, इनको ये इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के हवाले से अगर हम देखें, इनको अलाउंसेस जो दिए जाते हैं या इनके स्कॉलरशिप के हवाले से या बुक्स के हवाले से, और जो बच्चा अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटीज़ किसी बच्चे में हो जो स्कूल ना आ पाए तो ऐसी भी फैसिलिटीज़ के हैं कि उनको घर ट्यूटर्स भेजे जाएंगे और घर में उनको एजुकेट किया जाएगा। और हमारे स्कूल्स में ऐसे स्मार्ट क्लासरूम्स रैंप्स बनाए गए हैं और फ्रेंडली डिसेबल्ड टॉयलेट्स इन बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट इस पर बड़ी कोशिश है कि इन बच्चों को सोसाइटी में किसी भी तरीके से इनको ये पीछे ना रहें, इनको आगे लाया जाए और इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए हम सब कोशिश हैं, टीचर्स फॉरम कोशिश हैं, हम टीचर्स सभी कोशिश हैं कि इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए हम काम करें, उनको आगे लाएँ। शुक्रिया सर।